टाटानगर जंक्शन के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि टाटानगर जंक्शन पर पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटानगर जंक्शन पहुंचेंगे और हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना करेंगे। यहां से दो वंदे भारत ट्रेन चलेगी, एक टाटा से पटना के लिए और दूसरी टाटा से बरहमपुर के लिए। इसको लेकर के जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं और जमशेदपुर के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। वैसे तो जमशेदपुर में भारी बारिश हो रही है और ये बारिश कल से ही हो रही है, लेकिन लोगों का उत्साह अपने प्रधानमंत्री को देखने का कम नहीं हो रहा है। मेरे पीछे आपको ये भीड़ दिखाई दे रही होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टाटानगर जंक्शन आएंगे और यहाँ पर जो है वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके बाद टाटानगर स्टेशन परिसर में उनका एक कार्यक्रम आयोजित है और यहाँ पर वो लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री एक रोड शो करेंगे, जो बिष्टुपुर के बोल्टास बिल्डिंग से बिष्टुपुर गोपाल मैदान तक रोड शो करेंगे। और लोगों में जो उत्साह है वो आप देख सकते हैं, इतनी भारी बारिश में भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये बारिश में भींग कर आए हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पवन अग्रवाल। देखिए इधर देखिए, अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पूरे शहर को जो है सील कर दिया गया है और यहाँ पर हर तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है। टाटानगर स्टेशन के बाहर का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से लोग अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इधर भी लोगों में उत्साह है, लोग अपने प्रधानमंत्री को एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? होकन चंद्र साधु। किस लिए आए हैं? मोदी जी से मुलाकात करने के लिए। मुलाकात हुई? नहीं, बस आशा में है कब आएंगे। मुलाकात हो जाए जी। क्या करते हैं आप? मैं यही जुगसलाई में रहता हूँ और बिजनेस करता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉई हूँ। क्या लगता है मोदी जी कितने अच्छे प्रधानमंत्री? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, उनके जैसे तो कोई नहीं है। अच्छा, क्या काम किए हैं वो जो उनके जैसा कोई नहीं है? उनका गिन के तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन अनलिमिटेड है, उनका जैसे वर्क कोई नहीं कर पाएंगे। एक दो बता दीजिए। जैसे आपका कोरोना काल में सबको बचाए हैं, है ना? सबको बचाए हैं। हाँ हाँ, क्या बचाए, कैसे बचाए? उनका प्लान से, वैक्सीन वगैरह से। जैसा कि आप देखिए और भी कई पर लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सोनी। किस लिए आए हैं संतोष? मैं बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के लिए आए हूँ, महारैली के लिए, जो हम लोग का मेट्रो यहाँ से चालू होने वाले है। मेट्रो नहीं, वंदे भारत। वंदे भारत, हाँ, वो चालू होने वाले है, उनके वजह से हम लोग आए हुए हैं यहाँ। कैसे प्रधानमंत्री हैं मोदी? बहुत अच्छे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। और उनके कार्यक्रम में आज लाखों का संख्या में मतलब ये स्टेशन पे आए हैं और कम से कम 5 लाख आदमी तो करीब करीब आपको गोपाल मैदान में होंगे। हाँ, और ये पूरा आज ये रेलवे स्टेशन से लेकर के गोपाल मैदान तक, हाँ, अच्छा खासा पूरा मतलब पूरा रास्ता भरा हुआ, पूरा रास्ता जो पूरा